अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरूसा खान और मैं इस वक्त DHA फेज 8 में मौजूद हूं। आज हम आपको DHA फेज 8 का सबसे खूबसूरत आर्किटेक्ट डिजाइन घर विजिट करवाएंगे। ये आर्ट की दुनिया में एक अपनी नौयत का शाहकार है। सबसे पहले ये मेन गेट है। एक जो खास बात है वो ये है कि इसमें बिल्कुल भी ज्वाइंट नहीं है, सिंगल वन पीस गेट है। ये घर एक कनाल पर मुश्तमिल है जिसमें 6 बेडरूम है, 3 मास्टर बेडरूम है। इसके अलावा ह्यूज बेसमेंट विद पूल है, साथ ही में लिफ्ट है, रूफटॉप गार्डन है और मैं इस वक्त गैराज में मौजूद हूँ जो कि गैराज विद लॉन है और इसमें 4 बड़ी गाड़ियों की और एक छोटी गाड़ी की गुंजाइश भी है। गैराज में एंटर हो तो इस साइड पे सर्वेंट क्वार्टर है और इसके साथ ही ये खूबसूरत पेंटिंग है जो कि गैराज को मजीद खूबसूरत बना रही है। अमूमन आम घरों में जो दरवाजा होता है वो लकड़ी का होता है, लेकिन पाकिस्तान में पहली दफा ये जो दरवाजा है इसमें टाइल का इस्तेमाल हुआ है। लॉबी में एंटर हो तो हमें सबसे पहले डाइनिंग हॉल मिलता है। इसके साथ ही डाइनिंग हॉल में वाइट लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है जो कि वॉल को एक मजीद खूबसूरत बना रहा है। अमूमन हमारे घरों में ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज दो डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ड्राइंग रूम की बजाय टीवी लाउंज बनाया है और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि गैलरिया जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उनका ये मानना है कि घर का जो बड़ा हिस्सा ड्राइंग रूम होता है वो ज़ाया हो जाता है क्योंकि हमारे घरों में मेहमान आते हैं वो ज़्यादा फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो इस वजह से टीवी लाउंज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इन्होंने जो ड्राइंग रूम है उसको शिफ्ट कर दिया है बेसमेंट में और टीवी लाउंज को ये ले आए हैं ग्राउंड फ्लोर पे और आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। अगर हम डिज़ाइनिंग वॉल देखें तो उसके ऊपर जो चेन्स होती हैं उनका इस्तेमाल हुआ है। अमूमन जो हमारे घरों के किचन होते हैं वो सिंपल होते हैं, लेकिन ये जो किचन है ये इटालियन किचन है और आपके घर में मेहमान आए हैं, काम ज़्यादा है, खाने ज़्यादा बनाने हैं, तो आप ना सिर्फ इस किचन का इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि सर्वेंट्स के लिए स्टेनलेस स्टील का किचन भी दिया हुआ है, यानी कि जो भी गंदमंद मारना है वो यही हो जाएगा। और ये खूबसूरत किचन है, इसमें आप देख सकते हैं फ्रिज है और बाकी जो किचन के लवाजमात होते हैं वो भी इसमें मौजूद है और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो वही वाइट एंड ब्लैक का है। किचन से आए बाहर तो हमारे बिल्कुल सामने एक लिफ्ट नज़र आती है और अगर हम आपको लिफ्ट के बारे में बताएं तो अमूमन जो लिफ्ट होती है वो स्टील की होती है या फिर उसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि इसमें जिस तरह दरवाजे के सामने टाइल का इस्तेमाल हुआ था बिल्कुल उसी तरह लिफ्ट में भी टाइल का इस्तेमाल हुआ है। ये लिफ्ट बेसमेंट में भी जाती है, फर्स्ट फ्लोर पे भी जाती है और इसी के साथ ये आपको रूफटॉप पे भी लेके जाती है। अब हम आपको लेके जाएंगे बेसमेंट में। हम बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर की तरफ जब आए तो हमें दरमियान में जो चीज़ मिलती है वो है पाउडर रूम, जिसको बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बेसमेंट में आने के बाद यहाँ पे फैमिली के लिए आपको एक्स्ट्रा सिटिंग लाउंज दिया गया है। बेसमेंट में पूल के साथ आपको मेजर जो चीज़ दी गई है वो है बेडरूम।
ये बेसमेंट में मास्टर बेडरूम दिया गया है जिसका कलर कॉम्बिनेशन फिर अगेन से वही है वाइट एंड ब्लैक का, साथ में डिजाइनिंग वॉल दी गई है, खूबसूरत पेंटिंग्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसकी एक खूबसूरत चीज़ वो ये है कि इस रूम से आपको एक खूबसूरत व्यू भी नज़र आएगा पूल का। बेसमेंट में ड्राइंग रूम, इस ड्राइंग रूम में कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है वो है वाइट और मैरून का, और बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है, साथ में ही डिजाइनिंग वॉल है। बेसमेंट में पूल के साथ जो मजीद लवाजमात दिए गए हैं वो लवाजमात हैं सिनेमा विद बार के। आपको यहाँ पे फिर ग्रे और मैरून का कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा। आप मूवी एंजॉय कर रहे हैं तो साथ में आप बार को भी एंजॉय करें। सिनेमा, ड्राइंग रूम और पूल को जो एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे कॉमन दी गई है वो है यहाँ पे वॉशरूम। और अब हम आपको लेके चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे। नाज़रीन, साथ ही हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे तीन बेडरूम्स हैं जिसमें से एक मास्टर बेडरूम है। लेकिन मास्टर बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे लेफ्ट साइड पे इस वक्त एक खूबसूरत एक आपको सिटिंग एरिया मिलेगा, और इसके अलावा अगर आप परिंदों का शौक रखते हैं तो उसके लिए भी आपको एक एक्स्ट्रा जगह दी गई है। सबसे मेन और खूबसूरत बेडरूम है जो कि पर्सनली मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद आया वो है ये वाला मास्टर बेडरूम। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप किसी 7 स्टार के प्रेजिडेंशियल रूम में आ चुके हैं। इसकी जितनी भी वॉल्स हैं उन सब पे वेलवेट का काम हुआ है। इसके अलावा इसमें ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, और इसकी एक जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें जो वॉशरूम है उसमें और बेडरूम में कोई पार्टीशन नहीं है, आपको साथ ही में बाथटब मिलेगा। इसी के साथ आपको एक खूबसूरत मिरर वॉल मिलेगी। इसी के साथ आपको कबर्ड्स मिलेंगी जिनमें ग्रीन वेलवेट का काम हुआ है, यानी कि आपको बाकी जितने भी बेडरूम्स हैं उनमें भी जितनी वार्डरोब्स हैं उन सब में भी वेलवेट का इस्तेमाल हुआ है विद कलर्स। इसमें पार्टीशन की जगह रखी गई है, यानी कि आप अपने बेडरूम से वॉशरूम को अलग करना चाह रहे हैं तो इसमें पार्टीशन है, आप वो भी कर सकते हैं। टॉप भी एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की गई है गैलरिया की जानिब से, और जिसमें प्लेइंग एरिया है बच्चों के लिए। आप धूप को एंजॉय करना चाह रहे हैं, आप विंटर्स को एंजॉय करना चाह रहे हैं तो एक बहुत खूबसूरत रूफ टॉप गार्डन दिया गया है, और आप अपनी फैमिली के साथ रूफ टॉप गार्डन को विद व्यू एंजॉय कर सकते हैं।